गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। अभी बजा सुबह का 6:30। मेरी ब्लॉग में यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। श्रेयांक के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, स्कूल जाएगा। डीम टोस्ट बनाएंगे, दूध गर्म कर रही हूँ, कॉर्नफ्लेक्स खा के जाएगा और गर्म पानी भी की हूँ। उठ के गर्म पानी पिएगा थोड़ा सा, तो मैं भी पीऊँगी। तो मैं मेरी ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। चलिए आज पूरा दिन मैं क्या करती हूँ दिखाएंगे। कल श्रेयांक को वही नूडल्स दिए थे उसको टिफिन के लिए स्कूल में, तो वो स्पागेटी था, तो मैंने अच्छा बना के उसको दिया। उसका जो टिफिन बॉक्स है उसी में दिया था, पर पता नहीं है मुझे कल मैंने स्पून देना उसको भूल गई, याद नहीं था। और वो स्कूल से आए, वो भी मुझे कल इतना सर्वर घूम रहा था ना, तो मुझे क्या पता नहीं चक्कर आ रहा था। तो इसके वजह से मुझे ऐसे नहीं होता है कि याद नहीं रहता है किसी भी चीज़। बेटा की स्कूल में सब चीज़ नीटली हम देती हूँ, कभी भी याद नहीं रहता, ऐसा नहीं हुआ है। तो कल मैंने गलती किया, याद नहीं था, मुझे स्पून नहीं दिया। अभी वो श्रेयांक को सिर्फ नूडल्स दे दिया, पानी का बोतल दिया। और रात को मुझे उसको भी याद आया रात को कि माँ पता है आज मैंने देखो जाके कितना मैंने ये खाई हो, ठीक है, कितना मैंने जो खाना है वो खाई हो। तो मैंने बोला कि क्यों, और मैंने बोला हाँ आपका टिफिन भी साफ नहीं किया, तो टिफ़िन तो मैंने चेक ही नहीं किया, टिफ़िन मैंने चेक करके बोलती हूँ। मैंने क्या किया, टिफ़िन उसका आके उसका बैग से जब निकला देखा, पूरा टिफ़िन में एक भी थोड़ा सा भी नहीं चाखा, थोड़ा सा भी नहीं खाया, ठीक है। तो मैंने चौंक गए कि वो गया है 7:45 जाता है, और आते ही यहाँ पे 2:30 तो 15 में छुट्टी होता है, 2:30 के ऊपर हो ही जाता है। तो इतना टाइम के अंदर वो कुछ नहीं खाया, मैंने गुस्सा गया, मैंने बोला क्यों। तो उसके बाद देखा कि बोला कि देखो स्पून नहीं दिया आपने। तो मैंने बोला कि स्पून अगर मैंने नहीं दिया तुमको तो बोलना होगा मैम को कि मैम यहाँ पे स्पून एक्स्ट्रा अगर होगा कैंटीन से तो मिल जाता ना। बोला कि ना नहीं ऐसा कोई नहीं होता है। तो बोला हाथ से आप हाथ धो के खा लेते। तो बोला हाथ धो के कौन खाएगा, हाँ ऐसे बोला। क्या बात है, अभी का ज़माने का सब अभी का बच्चे लोगों का क्या बोलूँ, हम लोग तो हाथ से ही खा लेते हैं, और इन लोगों को हाथ से भी थोड़ा सा भी नहीं किया, टच नहीं किया। माँ के शाम रात को डस्टबिन में मुँह फेंकना पड़ा, ठीक है इतना। और मेरी इतना ये ख़राब लग रहा था कि एक स्पून नहीं दिया और बेटा भूख रह गया। तो मैंने उसको बोला तुमको भूख लग रहा था, बोला कि नहीं भूख नहीं, जो कुछ नहीं। मैंने बोला तुमको कोई कुछ तुमको खाना दिया था, बोला खाना का उसको खाने का ध्यान ही नहीं है, कौन क्या खाता है चीज़ कौन नहीं खाता है वो ध्यान ही नहीं देता, कभी भी नहीं उसको पूछती हुई कभी भी नहीं कौन क्या टिफिन लेके जाता, कुछ नहीं वो देखता ही नहीं है। और वो खुद का खाना ही खाता, खुद का खाना भी खाता नहीं है। वो ही मुझे इतना ख़राब लगा कि मैंने स्पून क्यों नहीं दिया। यहाँ से गर्म दूध हो रहा है, यहाँ से गर्म पानी किया, और यहाँ से उसका ये नहीं करेंगे, ये 2 टोस्ट बनाएंगे, ये अंडा रखी हो। ये श्रेयांक का पापा फ्रूट्स खाएगा, देखे आ रही है। Thank you.
ये जो बैंगन है ऐसे कटी हुई इसमें नीम बैंगन बनाएंगे, नीम पत्ता दे के बनाएंगे। ये नीम पत्ता हम स्टोर करके रखे हैं फ्रिज में, ये घर से लेकर आए थे। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा, हम अभी इस कढ़ाई में नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। गीजर लगाने के लिए आया है, डान दिखे हाई बा दिखे लो, বন্ধ করতে ভুলে গেছেন কোনো প্রবলেম নেই। এই গ্রিন লাইটটা বন্ধ হয়ে যাবে, আপনার কারেন্ট হচ্ছে না, জল গরম হচ্ছে না, ঠিক আছে। আর যদি বুঝতে আবি ইনকো দেখো, ইয়ে যে গিজার কা কার্টুন কে অন্দর ফোম থা वो लेके पाँव में अभी ऐसे करके अभी सोए हुए हैं। स्कूल से आके इसका स्टार्ट हो गया। इन दोनों को देखो, ये जो दो इसको मिला है, ये दो जो मिला है ये गीजर का है। ये उलू लुलू डांस कर रहा था ये लोग। ये उलू लुलू पपाया का सब्जी बन गया और उसके साथ रोटी, रोटी का आटा यहाँ पे रखी हो, कर लेते हैं रोटी। अभी रात को बजा है 8:30, श्रेयांक आने वाला है 6:30 बजे पढ़ने के लिए, वो गया था। मैम फोन करेगा, उसके बाद उसको लेने के लिए जाएंगे। पहले से मेरी तबीयत थोड़ा बेटर है और आज रात का जो डिनर है वो है पपाया का सब्जी और उसके साथ रोटी। यार बेटा को लेने के लिए जाने वाली हूँ, अभी आएगा तो डिनर कर लेंगे। तो मैं मेरी ब्लॉग यहाँ पे आज का समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर आप मेरी ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा।